ये क्या हो गया है भाई पवन सिंह के गानों को यूट्यूब में इंडिया के ट्रेंडिंग में कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब भाई आपको बता दें कि पिछले दिनों पवन सिंह का एक गाना यूट्यूब के ट्रेंडिंग में आया था, वो भी था कौन सी फिल्म का भाई, शेर सिंह का। अब जो भी हो, लेकिन आजकल ट्रेंडिंग में खेसारी लाल यादव ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। क्या पवन सिंह को अब अपने स्टारडम खोने का डर है, क्या अपने नंबर वन का तमगा हिलने का डर है, या अपना सिंहासन हिलने का डर है? भाई जो भी है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये वही पवन सिंह है जो कभी खेसारी लाल यादव के साथ स्टेज शेयर करना नहीं पसंद करते थे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि गोरखपुर वाले स्टेज शो में ये दोनों एक साथ स्टेज शेयर भी करेंगे और साथ में परफॉर्मेंस भी देंगे। भाई जो भी हो, लेकिन आजकल खेसारी का हर जगह तमगा है। आपको ये बता दें कि YouTube इंडिया में ट्रेंड करने का जो रिकॉर्ड पवन सिंह के नाम था, अब वो धीरे धीरे खिसक कर खेसारी लाल यादव के पास जा रहा है। जी हाँ, आपने अगर देखा होगा तो पिछले समय से, कुछ समय से YouTube में खेसारी के गाने लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। अब भाई खेसारी के होली का ही गाना ले लीजिए, जिसने एक दिन में 2.6 मिलियन का एक रिकॉर्ड भी बनाया, YouTube में तीसरे स्थान पे ट्रेंड भी कर रहा है ट्रेंडिंग में। लेकिन वहीं पवन सिंह की बात करें तो कल पवन सिंह के होली का गाने का ऑडियो रिलीज़ हुआ, ठीक उसी तरह जैसे खेसारी के गाने का ऑडियो रिलीज़ हुआ। लेकिन ये क्या, पवन सिंह के गाने न यूट्यूब के ट्रेंडिंग में है और ना ही ये धमाल मचा रहे हैं, ना ही ये व्यूज़ वाइज आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ भाई कुछ लोगों का ये कहना है कि जिस तरह खेसारी की टीम जुट जाती है प्रमोशन में, उस तरह पवन सिंह की टीम जुटती ही नहीं है प्रमोशन में, इसलिए लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि पवन सिंह के गाने कब आ रहे हैं। हाँ, वो व्यूज़ वाइज उठते ज़रूर है, लेकिन कुछ समय बाद। उसका कारण ये होता है कि पब्लिसिटी नहीं की जाती है, लोग उसकी पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। अब भाई हमारे बॉलीवुड स्टार से सीखिए कि अपनी अगर एक वो एड रिलीज़ करते हैं तो इतनी पब्लिसिटी करते हैं, पब्लिसिटी के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च किए जाते हैं कि लोग थिएटर तक जाएं फिल्में देखने के लिए। तो भाई आप क्यों नहीं पब्लिसिटी कर सकते हैं पवन सिंह के लिए? ये लगातार कितनी बार बात उठ चुकी है कि पवन सिंह अपनी चीज़ों का प्रमोशन नहीं करते। पवन सिंह और पवन सिंह की टीम से ये गुजारिश है कि एटलीस्ट आपकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, आप लोग अपने गानों का प्रमोशन कर सकते हैं। यहाँ पर तो कई सोशल मीडिया साइट्स पे आप बता सकते हैं। खैर जो भी है, लेकिन आजकल खेसारी लाल यादव का गाना सेटिंग करा जा 2 होली का जो है बहुत धूम मचा रहा है। आगे चलकर हो सकता है कि पवन के गाने इससे बाजी मार ले जाएं, क्योंकि अभी तक इन दोनों का ऑडियो रिलीज़ हुआ है, वीडियो रिलीज़ नहीं हुआ है। वीडियो रिलीज़ होगा तो हो सकता है कि पवन भी ट्रेंडिंग में आ जाए, लेकिन पवन सिंह जैसे सुपरस्टार के लिए अब ये ज़रूरी हो चुका है कि जिस मुकाम पर है वो मुकाम उनका बना रहे। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।